नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। उद्योग मंत्री ने किया खादी प्रतीक अंबर चरखा का पंचकुला में अनावरण। हरियाणा के उद्योग वाणिज्य एवं पर्यावरण तथा कौशल विकास मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि चरखा खादी नहीं बल्कि आज़ादी का एक प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विश्व स्तर के ब्रांड एम्बेसडर हैं और उन्होंने खादी को बढ़ावा देने के लिए नई मुहिम चलाई हुई है। उद्योग मंत्री हरियाणा खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के स्वर्ण जयंती वर्ष में पंचकुला के सेक्टर 1, 2, 5 और 6 चौक पर खादी का प्रतीक अंबर चरखा का अनावरण करने के बाद लोगों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से खादी उद्योग में 37% की वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि वर्ष 2004 से 2014 तक यह वृद्धि मात्र 6.7% रही। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने आज़ादी दिलाने के लिए चरखे व खादी का आंदोलन चलाया था और उन्हीं के उपरांत अब विश्व स्तर पर खादी को विशेष पहचान दिलवाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सार्थक पहल की है। उन्होंने कहा कि पिछले 3 वर्षों में हरियाणा खादी ग्राम उद्योग बोर्ड के चेयरपर्सन गार्गी कट्टर के नेतृत्व में किए गए कार्यों की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि बोर्ड द्वारा गत वर्ष पंचकुला में खादी का प्रथम बिक्री केंद्र खोला गया था और इसके सार्थक परिणामों को देखते हुए इस वर्ष झज्जर में दूसरा आउटलेट खोला जाएगा। इस आउटलेट के लिए झज्जर की महिला उद्यमी सोमवती को स्वीकृति प्रदान की है। बोर्ड द्वारा चरणबद्ध तरीके से प्रदेश में सभी 22 जिलों में इस तरह के आउटलेट खोले जाएंगे। प्रदेश में 5 स्थानों पर खादी बोर्ड के स्वर्ण जयंती वर्ष के दौरान खादी प्रतीक चरखे स्थापित किए जाएंगे, जिनकी शुरुआत पंचकुला से की गई है। उन्होंने मुख्यमंत्री की कार्यशैली की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने सत्ता को जनसेवा का माध्यम बनाया है और अपने वायदों को बढ़ चढ़ करके कार्य किए हैं, इसलिए प्रदेश की जनता एक सहमत होकर के दोबारा सरकार बनाने का मन बना चुकी है। आप देख रहे हैं पल पल की विशेष रिपोर्ट। सबसे पहले तुम्हें खादी ग्राम बोर्ड और बहन कार्जी कक्कड़ को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि जो एक चरखा जो कि हमारे सिर्फ खादी का ही प्रतीक नहीं है, वो स्वतंत्रता दिलाने के लिए अहम भूमिका निभाने वाला प्रतीक कि महात्मा गांधी जी ने जब ये आंदोलन चलाया था कि खादी के वस्त्र पहनना और अंग्रेजी वस्त्रों की होली जलाने का काम, तो उसमें चरखे ने एक महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो आज इस वेलाविस्ता चौक को चरखा चौक करने के बाद लोगों को मैसेज देना कि खादी आज कितनी इम्पोर्टेंट है, चाहे महात्मा गांधी जी ने आज से 70 साल पहले इस मुहिम को 75 साल पहले लगभग इस मुहिम को चलाया था, लेकिन आज सबसे बड़े एम्बेसडर माननीय नरेंद्र मोदी खादी के हैं कि पिछले 5 साल के अंदर खादी के अंदर 37% की ग्रोथ रेगुलर हर वर्ष पिछले 5 साल के अंदर खादी के अंदर हुई है और 2004 से लेकर 2014 की ग्रोथ भी बताए 6.68 की ग्रोथ 2004 से 2010 तक 2014 तक रहती थी और इस 4-5 वर्षों में 37% की ग्रोथ खादी के अंदर है। और अभी यहाँ पर हमारे विधानसभा में साथी बड़े भाई ज्ञानचंद गुप्ता जी ने बताया कि वेलाविस्ता चौक जिसे अब चरखा चौक के नाम से पुकारा जाएगा, इसको भी मैं पंचकुला वासियों को तौर पर मुबारकबाद देता हूँ। और इस पूरे कार्यक्रम को आयोजित कराने में और स्पेशली कितना डेडिकेशन इनका था बहन जी का कि मैंने कहा मैं बहुत बिजी हूँ, चुनाव आ गया है, बहुत सारे कार्यक्रम मैंने दे रखे हैं, कहा नहीं आपको करना है कैसे भी करके आओ स्पेशल ये फरीदाबाद जाकर इन्होंने कहा, तो मैंने कहा नहीं भी मैं जरूर आऊँगा अगर इतना ही ज़्यादा वो है तो। यहाँ के लगता है कि वाकई में मेरा आना सार्थक रहा, बहुत ही अच्छा मैसेज यहाँ के लोगों के लिए गार्गी कक्कड़ जी, और अभी गार्गी जी ने कहा कि शेखर विद्यार्थी जी ना होते तो ये काम पूरा ना होता, तो मैं बताता हूँ कि ब्यूरोक्रेट और पॉलिटिकल सिस्टम जो है आपस में मिलकर जब काम करता है तभी ऐसे सफल रिजल्ट्स निकल कर आते हैं। पिछले 5 साल के अंदर आपने देखा कि बहुत बार विपक्ष के लोग और चर्चाएं चलती थी कि ब्यूरोक्रेसी ऐसे करती है, ब्यूरोक्रेसी वैसे करती है, तो मैं बताना चाहता हूं कि आपस में एक दूसरे के पूरक हैं और पॉलिटिकल विल को इम्प्लीमेंट करने का काम ब्यूरोक्रेसी करते हैं। तो यहाँ पर दीपक शर्मा जी हमारे जिलाध्यक्ष, विष्णु गोयल जी सामने बैठे हैं, कुलभूषण जी, मोतीलाल जी और हरविंदर मलिक जी और जितने भी पंचकुला के वासी हैं और यहाँ जितने LTM और सरकारी अफसर हैं सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। और ये
आज यहाँ पर खादी ग्राम उद्योग की 50वां वर्ष जो ये गोल्डन जुबली ईयर है इसको एक मनाने का जो कार्यक्रम है उसके लिए भी मैं खादी ग्राम बोर्ड को की सफलतापूर्वक और पिछले 3 सालों में तो जितना इम्प्रूवमेंट खादी ग्राम बोर्ड ने किया है मैं समझता हूँ पिछले अनेकों सालों के अंदर भी नहीं हुआ, तो इसके लिए भी मुबारकबाद डिपार्टमेंट के अधिकारियों के साथ बहन गार्गी कक्कर भी हो जाती है। और एक पिछले साल 1 नवंबर को मैं यहाँ पर इन्होंने हर खादी एक जो स्टोर खोलने का इनॉग्रेशन विधिवत यहाँ पर कराया और आज दूसरा मैं बहन को भी मुबारकबाद देता हूँ कि झज्जर से आई हैं कि उन्हें खादी को रोजगार का माध्यम बनाने का जो ये सपना गार्गी जी ने देखा। मैं समझता हूँ कि 22 के 22 डिस्ट्रिक्ट में जल्दी से जल्दी ये स्टोर खोले जाएंगे, चिन्हित किए जा रहे हैं और इसके अलावा बहुत सारी जगह पर चाहे हैफेड के साथ मिलकर हमने पीछे खादी का काम कि खादी की सेल का काम करा हो, फेयर प्राइस शॉप्स पर बहुत सारी कोऑपरेटिव सोसाइटी के साथ और पुलिस कैंटीन में भी ये और PWD कैंटीन में जितने भी रेस्ट हाउसेज हैं वहाँ पर खादी की चद्दर और साबुन वगैरह का कॉन्ट्रैक्ट MOU साइन किया है। और अभी एक लेटेस्ट भी तो MOU साइन किया है किसके साथ किया आपने, जेल जेल की कैंटीन के अंदर भी खादी ग्राम का बोर्ड का सामान जो खादी का सामान है वहाँ पर सप्लाई होगा और जेल के अंदर जो लंबी सजा याफ्ता जो कैदी हैं उनको भी चरखे पर काम करके उनके जीवन यापन का एक माध्यम चरखे के माध्यम से हम लोग उपलब्ध कराने जा रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि चरखा जो हमारी स्वतंत्रता का प्रतीक था आज भी उतना ही सार्थक है जितना कि आज से 50 साल पहले था। और अभी कलर्स की बात हो रही थी, बहन जी ने कहा कि किसी ने कहा खादी के कलर्स नहीं मिलते, अरे हमारे ब्रांड एम्बेसडर नरेंद्र मोदी जी खादी बनते और कितने सारे कलर बनते हैं, देखने जाने की जरूरत ही नहीं है, फेसबुक पर निकाल लो इतने सारे कलर्स में खादी पहने हुए माननीय नरेंद्र मोदी जी दिखेंगे। तो मैं आप सभी को उन्हें इसकी बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और एक और बात करना चाहता हूँ कि खादी चरखा जो है यहाँ पे चरखा चौक पर रखा गया, खादी का भी संदेश दिया, लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी सिर्फ खादी के ही ब्रांड एम्बेसडर नहीं रहे तो पूरे विश्व के ब्रांड एम्बेसडर 5 साल के अंदर रहे हैं। बड़े से बड़े नेशन ने बड़े बड़े राष्ट्रों ने माना कि जो अमेरिका आज से 5 साल पहले वीजा देने में आनाकानी करता था वहाँ का आज राष्ट्रपति प्रोटोकॉल तोड़कर एयरपोर्ट कर लेंगे आप। तो ये 5 साल के अंदर हमारे नेता की हमारे प्रधानमंत्री की उपलब्धि रही है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी कलिया पत्रों में मंडे ट्यूजडे में कोड ऑफ कंडक्ट लगने की उम्मीद है, लग जाएगा। चुनावी माहौल तो शुरू हो चुका है, मैंने मनोहर लाल जी की जो यात्रा थी अभी आपने देखा, पंचकुला वासियों ने भी बहुत जबरदस्त स्वागत किया, कालका से इसकी शुरुआत हुई थी। तो मैं मित्रों ये बताना चाहता हूँ कि पिछले 5 साल के अंदर हरियाणा में और देश में जितनी तरक्की और जितना काम हुआ मैं समझता हूँ कि 25-30 सालों के अंदर भी नहीं, उनका टोटल कर लेंगे तो भी 5 साल का कहीं ज़्यादा होगा। कल मुझसे प्रेस वाले पूछ रहे थे कि मंत्री जी 156 आपने अपने मैनिफेस्टोज के अंदर वादे किए थे उसमें से कितने पूरे कर दिए, मैंने कहा ये पूछो 156 से ज़्यादा कितने कर दिए, कम से कम 156 से ज़्यादा 100-150 और काम जो माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने किए हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ मेरे पास ही 3 डिपार्टमेंट है, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट, इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट और स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। तो मैं बताना चाहता हूँ कि जब हम लोग सरकार में आए थे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, क्योंकि कुलभूषण जी तो अच्छी तरीके से सब जानते हैं और अपने विष्णु जी भी कि किस तरीके से हमारा स्थान और क्या इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी, किस तरीके से इंडस्ट्रीज के अंदर काम होता था। तो मेरे को बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि जब हम सरकार में आए थे जब हम 14वें स्थान पर थे, पिछले साल 6ठे पे आए और इस साल नॉर्थ इंडिया में नंबर 1 और हिंदुस्तान में 30वें स्थान पर। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक पैमाना है कि किस तरीके की इंडस्ट्री, किस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल वातावरण कैसा है, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज कैसी है। इसके अलावा बहुत सारे लोग इस बात का भी बात करते हैं कि रोज में पेपर में पढ़ता हूँ, 25 लोग बोलते हैं जॉब जा रही हैं, ये इतने लोगों को बेरोजगार हो गए 5 साल के अंदर, कुछ नौकरियां नहीं मिली। तो मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि इंडस्ट्री और स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से जितने प्रयास और जितना काम इन 5 सालों में हुआ है, स्किल डेवलपमेंट में भी विष्णु जी हम 13वें स्थान पर थे और आज 1ले स्थान पर हैं, आज नंबर 1 पर हैं। बहुत सारे अवार्ड स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में केंद्र की सरकार से मिले हैं उन्हें। तो मैं ये बताना चाहता हूँ और हमारा अंडर 1 रूफ पोर्टल है वो तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, 1 फरवरी 2017 से जो चल रहा है
3 लाख करोड़ से ज्यादा के इन्वेस्टमेंट के लिए एनओसी, एनओसी का मांगते हैं लोग जब अपना बिजनेस शुरू करने जाते हैं, जब लैंड परचेज कर लेते हैं तो उस पर क्लीयरेंसेस और एनओसी मांगते हैं। 3 लाख करोड़ से ज्यादा के आवेदन उस पर है जिनमें 14 लाख जॉब उसके अंदर मिलने का काम होगा जब वो इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। तो मैं बहुत सारे काम अगर गिनवाए 5 साल के अंदर प्रदेश की सरकार ने, देश की सरकार ने कितना काम किया, तो मैं मित्रों यही बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे दल कोई नए नए रोज हमारे हरियाणा के अंदर, आज उससे समझौता हो रहा है, कल उससे हो रहा है, वो टूट रहा है, और कभी कांग्रेस के फेस बदले जा रहे हैं, कभी एक पारिवारिक दल जो बिखर गया था उसे इकट्ठे होने के प्रयास किए जा रहे हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ कि प्रदेश की जनता अच्छे तरीके से जान गई है कि चाहे चेयर बदले चाहे फेस बदले, पता है कि काम एक ही होना है। तो भारतीय जनता पार्टी एक नीतियों पर चलने वाली पार्टी है और जो अपने एजेंडे को लेकर आगे चलती है, और माननीय मनोहर लाल जी ने पिछले 5 साल में उस एजेंडे को पूरा करने के लिए कितना बड़ा काम है, कितनी बड़ी लंबी लकीर डेवलपमेंट की और एक पारदर्शिता की और एक ईमानदारी की हरियाणा के अंदर खींची है। वरना हरियाणा और भ्रष्टाचार का प्रायवाचित आ जाता था और उसको बदलने का काम मनोहर लाल जी ने किया। तो इसलिए आने वाले दिनों में चुनाव होगा तो मैं चाहता हूँ जो ज्ञानचंद गुप्ता जी को जितनी मत आप लोगों ने दिए उससे ज़्यादा मतों से जिता कर आप विधानसभा के अंदर भेजें। तो आज हमने मंत्री का दर्जा हमारी सरकार ने, हमारी पार्टी ने दे रखा है। अगली बार मैं चाहूंगा इतने मतों से जिता दो कि पार्टी बोले कैबिनेट मिनिस्टर बनाना चाहेंगे। तो मैं आपका यहाँ पर सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सुबह सुबह इतनी संख्या में आप लोग यहाँ पर आए और एक बार पुनः बोर्ड को और धनगार जी कक्कड़ को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। जय हिंद।